हम जानते होंगे, आप भी जानते हैं कि स्वर कौन से होते हैं। स्वर होते हैं अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अं और अं। ये क्या है स्वर। अब एक बार वापस से बोल रही हूँ, आप ध्यान देना। अ आ ई ई ऊ ऊ री ए ऐ ओ औ अं अ, ये है स्वर। ये स्वर है। और व्यंजन कौन से होते हैं, क ख ग घ ड च छ, ऐसे लेके हुए जो लाइनें होती हैं, ये है व्यंजन की लाइनें। और ये होती है क से लेकर ज्ञानी बाबा तक। तो स्वर की मात्राएं व्यंजन पे लगती हैं तो मात्रा वाले शब्द बनते हैं। अगर स्वर की मात्राएं व्यंजन पे नहीं लगेगी तो मात्राएं मात्रा वाले शब्द नहीं बनेंगे और उनका कोई अर्थ भी नहीं होगा। तो आज हम स्वर व्यंजन की मात्राएं पढ़ेंगे और हम जानेंगे कि क्या है व्यंजनों के साथ मिलकर प्रत्येक स्वर मात्रा रूप में प्रयोग होता है। यानी ये जितने भी स्वर हैं अ से लेकर अह तक, ये है स्वर, इनकी मात्राएं होती है। देखो मैंने लिखा है अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आप लाइन ध्यान देना कि अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्रॉस किया है। ठीक है, अब है आ। आ की मात्रा ऐसी होगी, आप ध्यान से देखना, किसी भी अक्षर के वर्ण के आगे हम ऐसी जब एक लाइन बनाते हैं वो होती है आ की मात्रा। ये है छोटी ई की मात्रा, ये है बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ बड़ा ऊ ऋषि ऋषि बाबा की मात्रा ऐसी होती है, आप ध्यान से देखना। फिर आएगा ए से एडी की मात्रा, यानी कि एक मात्रा, ये जो आप ऊपर लगाओगे ये देख लो आप ढंग से, ये है ए की मात्रा। और ऐ से ऐनक, यानी कि दो मात्रा, आप एक यहाँ पे एक लगाएंगे और यहाँ पे ए से एडी के बाद में ऐ से ऐनक आता है, यहाँ पे एक मात्रा ऑलरेडी होती है तो हम एक मात्रा उसके साथ और लगाएंगे, ये दो बनेगी तो होगी ऐ से ऐनक। ओ से ओखली, देख रहे हो आप ओ से ओखली कैसी मात्रा लगी हुई है। और औ से औरत, औ से औरत पे डबल होती है इसलिए हम बोलते हैं औ से औरत। तो बोलने में आपके स्वर जो आते हैं, देखो ओ औ यानी कि ओ आ रहा है यानी कि सिर्फ एक, और औ यानी उस पर आपको जोर लग रहा है, बोलने में आपके स्वर अलग बदल रहे हैं तो उस पर दो मात्राएं लगेगी। अंग, अंग यानी हम नाक से बोल रहे हैं, नाक से स्वर आ रहा है तो हम ऊपर एक बिंदी लगाएंगे अंग। अंग से अंगूर, और अह खाली अह, पीछे देखो आप क्या बोल रहे हो अह, यानी ये है आपका अह खाली वाली मात्रा जो कि एक लाइन खींचनी है और दो विसर्ग वाली बिंदियां लगानी है। ठीक है ना, ये थी आपकी मात्राएं। आप गौर से ध्यान से ये देखो, ये आपकी मात्राएं हैं। ये सभी मात्राएं जो व्यंजन यानी कि क से ज्ञ तक उन पे लगेंगी तो 12 खड़ी बनेंगी, जिनको स्वर युक्त व्यंजन कहते हैं। युक्त में जुड़ा हुआ, स्वर युक्त यानी उसके साथ में, तो स्वर युक्त व्यंजन जब 12 खड़ी तो हम बोलते हैं क्योंकि उसमें 12 अक्षर होते हैं, 12 अक्षर होते हैं, 12 मात्राएं लगती है तब वो 12 खड़ी बनती है। लेकिन उसको हम स्वर युक्त व्यंजन भी कहते हैं क्योंकि स्वर की मात्राएं व्यंजन पे लगी हुई होती है, तब बनता है क का की कू कू के कई को कऊ कम क, ऐसे हम लिखते लिखते ज्ञानी बाबा तक लिखते हैं ग्य ग्या गी घी ऐसे। तो अब वो आप नेक्स्ट, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। आज के लिए आपका इतना ही था, पर आप ध्यान देना व्यंजनों के साथ मिलकर प्रत्येक स्वर मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। अगर व्यंजन में मात्रा स्वर की नहीं लगेगी तो शब्द और अक्षर नहीं बनेंगे। ठीक है ना, ये था आज का आपका क्लास वर्क और आप इसको होमवर्क में लर्न करेंगे। ठीक है, और आप मुझे वापस अपना बताएंगे कि आप पढ़ते हैं या नहीं, और सैटरडे को आप अपनी नोटबुक लेकर आएंगे। थैंक यू।